मेरा नाम सौरभ सिंह है, मैं 2 साल होता है खेल रहा हूँ और मेरा अब राज्य स्तर पर चयन हुआ है। इससे धन्यवाद मेरे प्रबंधक सर को कहना चाहता हूँ, बाल सिंह जी को, जिसने मेरे को खिला के आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं चलने सभी खिलाड़ियों और सी प्रबंधक सर और व्यवस्थापक महेंद्र सिंह जी सर, अंतर्राष्ट्रीय खेल कर भारत को मेडल लाना चाहता हूँ। मैं अशोक सिंह, ये मेरा छोटा भाई है और बचपन से इसको खेलने का शौक़ था। गांव में मैदान का अभाव था, यहाँ की बास्केटबॉल सीखा प्रबंधक सर बाल सिंह जी, सरस्वती विद्या मंदिर जिनके संरक्षण में खेला, और महेंद्र सिंह जी छात्रावास के संस्थापक, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा और परिवार का, गुरुजनों का, आदि लोगों का सहयोग रहा, और आगे इंटरनेशनल स्तर पर खेल कर ये भारत के लिए मेडल लाएगा, ऐसी हम आशा और उम्मीद करते हैं। परिवार वालों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि गांव से ही या और आसपास के गांव में भी बास्केटबॉल में ये पहली बार नेशनल जा रहा है, ठीक है। आज से पहले हमारे गांव में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नेशनल हुआ, प्रथम नेशनल है और वो भी राजस्थान के राज्य खेल बास्केटबॉल में। मैं बाल सिंह राठौड़, प्रबंधक सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदिरा नगर बाड़ में। 14 वर्ष जो प्रदेश लेवल की यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, उसमें हमारी विद्यालय का स्वरूप सिंह खिलाड़ी पहले स्टेट में चयन हुआ, उसके बाद अब नेशनल लेवल पर उसका चयन हुआ। इसके लिए विद्यालय परिवार उस खिलाड़ी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। विद्यालय के लिए भी बहुत गर्व की विषय है कि यहाँ का खेला हुआ खिलाड़ी नेशनल तक पहुँचा। सरस्वती विद्या मंदिर 1990 से लगाकर वर्तमान तक हर वर्ष जिला स्तर पर अपनी टीम बास्केटबॉल में भेजती है। यहाँ के खेले हुए कई विद्यार्थी नेशनल, यहाँ तक इंटरनेशनल, एक अली करके विद्यार्थी था, इंटरनेशनल भी खेला और कई विद्यार्थी स्पोर्ट्स कोटे में भी सिलेक्शन हुए। बाड़मेर जिले का पहला निजी हिंदी मान्यता प्राप्त विद्यालय जिसका खुद का कैंपस में बास्केटबॉल ग्राउंड है। प्रतिदिन शाम को और सुबह नियमित विद्यार्थियों का खेल प्रशिक्षक होता है, चयनित प्रशिक्षक द्वारा खेल गतिविधियां होती है और नियमित रूप से विद्यार्थियां खेलते हैं सुबह शाम। उनमें से इस वर्ष 17, 19 और 14 वर्ष तीनों ही वर्ग की टीमें जिला स्तर पर खेली। कई विद्यार्थी इस साल 5 विद्यार्थी स्टेट पर खेलने गए, उसमें से एक लड़के का 14 वर्ष में नेशनल हुआ। ये विद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है। हम तो इस विद्यार्थी से ये आशा करेंगे कि वहाँ नेशनल स्तर पर झंडा फहरा के विद्यालय का नाम रखे। एक और विषय बात कहना चाहूँगा, ये विद्यार्थी गत वर्ष हमारे इस विद्यालय में प्रवेश लिया, उससे पहले बास्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बास्केट कैंप गेल क्या है, किस तरह से खेला जाता है, यहाँ आकर उसने बास्केट को देखा और रुचि के साथ खेल तन्मय के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर आज नेशनल तक पहुँचा। और एक बहुत साधारण गांव का खिलाड़ी अगर लगन और कड़ी मेहनत करे तो असंभव दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, ये युक्ति इसने चयार्थ की है। इसके लिए ये भी बधाई का बात है।